हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका आज हिंदी का पेपर है और ये अंतिम 1.5 घंटे के लिए तैयार किया गया, यानी कि जिनकी तैयारी अभी भी अच्छे से नहीं हो पाई है उनको केवल 1.5 घंटे का समय देना है। और वो 1.5 घंटे का समय मैं आपको इस वीडियो के समय को जोड़कर बता रहा हूँ, यानी कि इस वीडियो को जितनी देर देखेंगे इस समय को भी उसी 1.5 घंटे में आपको ऐड कर लेना है, यानी कि केवल 1.5 घंटे का समय आपको देना है। और इस 1.5 घंटे में आप 50 अंक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जितना आपको बताया जाएगा अगर आप उसी प्रकार से फॉलो करेंगे पूरा, तो यहाँ पर आप 1.5 घंटे में 50 अंक से अधिक अंक की तैयारी जो है कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है उसी वीडियो के अनुसार आपको यहाँ पर करना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो मैंने इस समय 3 दिनों में जो है हिंदी के टोटल 9 वीडियो अपलोड किए हैं। याद रखिएगा, हिंदी के टोटल जो वीडियो अपलोड किए गए हैं 9 वीडियो अपलोड किए गए हैं। आपको इन्हीं वीडियो का यूज़ करना है। ध्यान दीजिए, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर आपने वीडियो स्किप पहले देखे हैं तब भी आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पहले पूरा मेथड समझ लीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो वीडियो अपलोड किए गए हैं वो आपको वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे मिल जाएंगे। आपको वीडियो में लिखा मिलेगा Part 1 और उसके आगे उसका लिंक मिल जाएगा। इसी प्रकार दूसरा मिल जाएगा आपको यहाँ पर Part 2, उसका लिंक मिल जाएगा। इसी प्रकार टोटल 9 वीडियो हैं, सभी 9 वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर करना है क्या, जो Part 1 है, इस Part 1 में मैंने मॉडल पेपर जो है बोर्ड द्वारा जारी किया गया है इस बार के लिए, वो मॉडल पेपर पूरा बताया, यानी कि उसमें उस मॉडल पेपर के बारे में बताया है कि कौन से क्वेश्चन में क्या आता है। इसके अलावा इसमें पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन जो बहुविकल्पी होते हैं, जो कि 10 नंबर के आते हैं, ये दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व भी करवाए हैं। तो अगर इसको आप देखेंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में क्या आएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। और ये वीडियो जो है आपका टोटल जो है 16 मिनट का है, याद रखिएगा, ये वीडियो जो है 16 मिनट का होगा आपको, यानी कि इसके लिए आपको समय देना है 16 मिनट का। यहाँ से आप 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। इसके अलावा आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या आएगा, तो आपको ये भी पहले से पता रहेगा। तो यहाँ पर आपको देने हैं 16 मिनट, इस प्रकार ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो Part 2 है, इसमें मैंने बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं, गद्य से संबंधित जो है बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं इसमें, गद्य बहुविकल्पी प्रश्न। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न बताए गए हैं गद्य के, टोटल आपको 15 बहुविकल्पी प्रश्न बताए गए हैं। इसके अलावा जो आपका Part 3 है, Part 3 में आपको पद्य यानी कि काव्य से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न बताए गए हैं, जिसमें भी 15 क्वेश्चन हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दोनों वीडियो जो है 6 मिनट के हैं, यानी कि पहला वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों 6-6 मिनट के वीडियो हैं। इन दोनों वीडियो को देखने से 6-6 मिनट के आप 30 बहुविकल्पी क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों पार्ट देखने पर यहाँ पर इसका मतलब आपने 10 अंक की तैयारी कर ली है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10 अंक की तैयारी आप ये तीनों वीडियो देख के कर लेंगे। ध्यान दीजिए, 16 मिनट, इसके अलावा 6 और 6 मिनट में, तो यहाँ से आपकी तैयारी होगी 10 अंक की। इसके बाद ध्यान दीजिए, जब आप Part 4 के लिंक पर क्लिक करेंगे तो Part 4 का जो लिंक होगा, उस Part 4 का लिंक जो है वो टोटल 17 मिनट का है। ध्यान दीजिएगा, Part 4 का जो लिंक है वो 17 मिनट का है, और इस 17 मिनट में आप जीवन परिचय तैयार कर सकते हैं, यानी कि जीवन परिचय जो है आपको किस प्रकार से लिखना है वो पूरा मैंने लिख कर बताया है इसमें। तो यहाँ पर ये जीवन परिचय जो आते हैं टोटल 10 अंक के आते हैं, यानी कि इस 17 मिनट के वीडियो से आप 10 अंक की तैयारी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 17 मिनट में 10 अंक की तैयारी, यानी कि जीवन परिचय आपको यहाँ पर कौन सा पढ़ना है, किस प्रकार से लिखना है, वो सब इस वीडियो में बताया गया। तो इससे आपकी 10 अंक की तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद जब इसका Part 5 आप देखेंगे, तो Part 5 में यहाँ पर मुहावरे बताए गए हैं, इसमें आपको 20 से 25 मुहावरे जो है वो बताए गए हैं, और मुहावरे जो आते हैं पेपर में वो 2 नंबर के आते हैं। और ये वीडियो जो है आपका 5 मिनट का है, यानी कि 5 मिनट में आप 2 अंक की तैयारी कर लेंगे यहाँ से, तो इससे आपको मिलेंगे यहाँ पर 2 अंक। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जो अगला पार्ट होगा इसके बाद, Part 6, तो Part 6 है, इसमें यहाँ पर कहानी से संबंधित प्रश्न बताए गए हैं, और कहानी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं आपके पेपर में वो टोटल आते हैं 5 अंक के। तो कहानी से संबंधित प्रश्न तैयार हो जाएंगे आपके 5 अंक के। ये वीडियो जो है आपका टोटल 11 मिनट का है, यानी कि आपको यहाँ पर 11 मिनट का समय देना है। 11 मिनट में आप 5 अंक की तैयारी यहाँ से कर लेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जो अगला पार्ट है इसका,
इसके बाद पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में मैंने खंड काव्य से संबंधित प्रश्न बताया है, यानी कि किस प्रकार से आपको खंड काव्य में लिखना है। तो यहाँ पर खंड काव्य से संबंधित प्रश्न बताया है, ये भी आपका 5 अंक आएगा। और इस ये वीडियो भी आपका जो है टोटल 10 मिनट का है। इसमें किस प्रकार से लिखना है ये पूरा मैंने लिख कर बताया है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो से यहाँ पर आप 5 अंक तैयार कर लेंगे। इसके बाद जो पार्ट नंबर 8 है, इस पार्ट नंबर 8 में ये वीडियो जो है ये 7 मिनट का है आपका टोटल। और इसमें यहाँ पर जो है वाक्य संशोधन, यानी कि वाक्य को जो है शुद्ध कैसे किया जाता है ये बताया गया पूरा। तो यहाँ पर आपको वाक्य संशोधन जो है बताया गया है। तो इसमें आप यहाँ पर वाक्य संशोधन देख सकते हैं। वाक्य संशोधन जो है ये टोटल आता है 2 अंक का, इस प्रकार से। इसके बाद जो लास्ट में इसका पार्ट नंबर 9 मिलेगा आपको, पार्ट नंबर 9 जो होगा ये 5 मिनट का है। तो पार्ट नंबर 9 जो है ये 5 मिनट का है। और इसमें आपको निबंध के लिए जो है मुख्य टॉपिक बताए गए हैं, और इसके अलावा आपको निबंध किस प्रकार से लिखना है ये भी बताया गया है। और ये टॉपिक जो टोटल आएगा ये आएगा आपका 9 अंक का, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये टोटल जो वीडियो की संख्या है आपकी 9, और यहाँ पर ये इनका समय लिखा गया है, यानी कि अगर इन सभी के समय को आप ऐड करेंगे तो समय यहाँ पर जो इसका आएगा टोटल, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन सभी के समय को अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने पर टोटल यहाँ पर आएंगे 83 मिनट। यानी कि अभी ये जो है यहाँ पर 1.5 घंटे का समय नहीं हुआ है आपका, 83 मिनट हुआ है, यानी कि 1 घंटे 23 मिनट। अभी आपके यहाँ पर 7 मिनट बाकी हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो इतना तैयार हो गया, यहाँ पर जो आपको अंक मिलेंगे इससे जो अंक तैयार होंगे आपके 43, यानी कि 83 मिनट में आप 43 अंकों की तैयारी यहाँ पर कर लेंगे। लेकिन आपको ये वीडियो जो है कोई भी स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है। ये सभी लिंक जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे, डिस्क्रिप्शन ओपन करने के बाद आपको वहाँ पर इसी प्रकार से पार्ट 1 उसके बाद उसका लिंक मिल जाएगा, फिर पार्ट 2 उसका लिंक मिल जाएगा, इसी प्रकार सभी के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएंगे सारे लिंक। तो इस प्रकार से इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में सबसे लास्ट में एक जगह पर लिखा होगा प्लेलिस्ट, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा होगा, अगर इस प्लेलिस्ट के नीचे भी एक लिंक दिया जाएगा आपको। अगर इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इस लिंक पर क्लिक करने पर आपको 9 वीडियो जो है वो एक साथ दिखाई देंगे, यानी कि सारे वीडियो यहीं से एक साथ मिल जाएंगे। अगर आप इन लिंक पर क्लिक करके करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ही वीडियो ओपन होगा। अगर आप यहाँ पर प्लेलिस्ट के लिंक पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको 9 के 9 वीडियो जो है सारे मिल जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से जाकर आपको सारे वीडियो जो है एक बार देखना है, यानी कि आपको 83 मिनट का समय यहाँ पर देना है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ से आपने तैयार किए 43 अंक। अब इसके अलावा आप 50 अंक कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए अब ध्यान दीजिए, जो आपका ये मॉडल पेपर है इसमें जो प्रश्न नंबर 13 होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक आवेदन यानी कि प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता है। और आजकल सभी बच्चे स्कूलों में प्रार्थना पत्र जरूर लिखते हैं, क्योंकि उनको आवश्यकता पड़ती है छुट्टी की, तो छुट्टी लेने के लिए वो वहाँ पर प्रार्थना पत्र जरूर लिखते हैं। तो प्रार्थना पत्र तो उनको लिखना आता ही है, बाकी वहाँ पर आपको ध्यान देना है केवल लिखने के लिए किसका है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि बैंक में खाता खोलने के लिए, तो जिसके लिए कहा जाएगा, जैसे कि बैंक में खाता खोलना है तो वहाँ पर जो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है वो बैंक के प्रबंधक के नाम लिखना है। बाकी जैसे हम लोग विद्यालय में लिखते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं प्रधानाचार्य के नाम की सेवा में प्रधानाचार्य विद्यालय का नाम लिखते हैं। उसी प्रकार जब बैंक के लिए लिखेंगे तो वहाँ पर बैंक प्रबंधक के नाम लिखेंगे। किस बैंक के लिए लिख रहे हैं, जैसे कि हम लोग विद्यालय के लिए लिखते हैं तो वहाँ पर आप क्या लिखते हैं, इसमें सेवा में, इसके बाद आप यहाँ पर लिखते हैं प्रधानाचार्य, उसके बाद विद्यालय का नाम लिखते हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है सेवा में के बाद। उसी प्रकार अगर आप बैंक के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सेवा में, यहाँ पर आपको लिखना है बैंक प्रबंधक, और यहाँ पर बैंक का नाम जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक जो भी होगा वहाँ पर लिखेंगे। उसके लिखने के बाद आपको सबसे पहले वहाँ पर बताना है विषय, यानी कि किस विषय पर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। जैसे कि ये लिखेंगे तो इसका मतलब बैंक में खाता खोलने के संबंध में। इतना लिखने के बाद आपको वहाँ पर लिखना है महोदय, और उसके बाद फिर अपनी लैंग्वेज में उसमें किस प्रकार से आपको खाता खोलना है, यानी कि आपको अपनी डिटेल बतानी है पूरी, और आपको कौन सा खाता खोलना है उसके बारे में आप वहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये पत्र लेखन कार्य है ये सभी को आता है, क्योंकि आजकल सभी बच्चे जो है अप्लीकेशन तो लिख ही लेते हैं, क्योंकि उनको छुट्टी की आवश्यकता होती है। यानी कि आप 6 अंक जो है इसी वीडियो के माध्यम से तैयार कर लेंगे जो आप अभी देख रहे हैं, यानी कि 6 अंक आप यहाँ से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ से आपके तैयार हो गए 49 अंक टोटल। अब ध्यान दीजिए, आपको ध्यान क्या देना है, तो अब ध्यान दीजिए, इस हिंदी के पेपर में आपका एक ये क्वेश्चन आता है, यानी कि आपको गद्यांश दिया जाता है, और इस गद्यांश पर आधारित जो है आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर आपने इस गद्यांश के माध्यम से यहाँ पर सही से ये पहचान लिया कि किस चैप्टर का है,
यानी कि जो पहला क्वेश्चन होता है आपका कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, तो अगर आप चैप्टर का नाम सही सही पहचान लेंगे तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। और अगर आपका ये क्वेश्चन सही नहीं होता, यानी कि अगर आपको चैप्टर का नाम नहीं पता चलता है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसके गलत होने पर भी ध्यान दीजिए, ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको टोटल 5 प्रश्न होते हैं। तो अगर ये गलत भी हो गया तब भी यहाँ पर बचते हैं 8 नंबर। तो अगर आप इनको इसी के माध्यम से लिख देंगे थोड़ा बहुत, तो इस 8 में तो इसमें आपको 5 या 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। यानी कि इस प्रकार जो आप 1.5 घंटे में जो है यहाँ पर 50 अंक से अधिक की तैयारी कर सकते हैं। तो जितना आपको बताया गया इस वीडियो में पूरा उसी प्रकार से आप प्लेलिस्ट के लिंक पे जाइए, वहाँ पर क्लिक करिए और सारे वीडियो एक बार पूरे पूरे देख लीजिए और उसके बाद आप पेपर देने जाइए, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।